फ्रेंड्स आप लोग कैसे हो। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप कैसे ऑनलाइन तरीके से आपका मोबाइल से ही आप कैसे आपका वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो। और फ्रेंड्स आप कहेंगे कि मोबाइल नंबर लिंक करने से क्या होगा, तो फ्रेंड्स मोबाइल नंबर लिंक रहने से बहुत सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हो, जैसे कि ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना, तो आप आसानी से आपका मोबाइल से ही आप कर सकते हो। तो इस टाइप का बहुत सारे काम है जो मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आपका वोटर आईडी कार्ड में, तब जाके ये सब काम आप कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन तरीके से ही आपका वोटर आईडी कार्ड में आप मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हो। तो वीडियो को आप फर्स्ट टू लास्ट तक देखिए, और चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स इस प्रोसेस को करने के लिए आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, और फ्रेंड्स इस प्रोसेस को आप मोबाइल से भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत इसमें होता नहीं है। तो ब्राउजर ओपन करके आपको सिंपली सर्च बार में टाइप करना है nbsp.in, तो टाइप करके आपको सर्च कर देना है। तो सर्च करते हुए फ्रेंड्स इस टाइप से शो हो जाएगा, यानी एनबीएसपी का जो पोर्टल है ये रिडायरेक्ट किया गया है ईसीआई का न्यू पोर्टल में। तो 5 सेकेंड इधर रहेगा, फिर ऑटोमेटिक उस वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो रिडायरेक्ट होने के बाद फिर आपको इस तरीके से शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपका यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर सकते हो, और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो फ्रेंड्स देखिए ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा साइन अप का, तो इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपका डिटेल्स वगैरह देना है, जिसमें आपका नाम, वोटर आईडी कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब आपको डाल के आपको पहले रजिस्टर कर लेना है। तो रजिस्टर करने के बाद फिर आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है इसमें डालेंगे, फिर पासवर्ड इधर एंटर करेंगे, फिर कैप्चा जो शोर है कैप्चा इधर एंटर करके सेंड ओटीपी के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी इधर एंटर कर देना है। एंटर करके फिर आपको लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन होते ही फ्रेंड्स आपको इस तरीके से शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि इसमें जो वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन है ये डाउनलोड होता या नहीं। तो ई एपिक डाउनलोड इस ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते फ्रेंड्स इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इसमें आपका एपिक नंबर डालेंगे, फिर आपका स्टेट इधर से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर सर्च इस ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करते ही आपका डिटेल्स वगैरह इस टाइप से शो हो जाएगा, और फ्रेंड्स आपका मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं इसमें शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो एपिक नंबर है इसमें मोबाइल नंबर तो लिंक है, लेकिन एक मोबाइल नंबर बहुत सारा एपिक नंबर के साथ लिंक है, इस वजह से इस मोबाइल नंबर पे कोई भी ओटीपी नहीं आएगा। और फ्रेंड्स नीचे आप देख सकते हो द फैसिलिटी टू अपडेट योर मोबाइल नंबर इज अवेलेबल इन फॉर्म 8, यानी फॉर्म 8 में जाके आपका मोबाइल नंबर आप लिंक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अभी फॉर्म 8 में जाते हैं, जाके मोबाइल नंबर कैसे लिंक किया जाता है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए लेफ्ट साइड में ही फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, तो इस ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इस टाइप से फॉर्म शो हो जाएगा। तो नीचे आप देख सकते हो फॉर्म 8, तो फॉर्म 8 इस ऑप्शन में ही आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते हैं फ्रेंड्स इस टाइप से शो हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर सेल्फ और है अदर इलेक्टोर। तो फ्रेंड्स देखिए सेल्फ का तो नहीं करेंगे, किसी दूसरा का कर रहा है, तो अदर इलेक्टोर जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद इसमें एपिक नंबर एंटर कर देंगे, एपिक नंबर एंटर करने के बाद फिर सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करते ही फ्रेंड्स इस टाइप से शो हो जाएगा और डिटेल्स इधर शो हो जाएगा। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ओके का, तो इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करते ही फ्रेंड्स इस टाइप से शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो सेकंड नंबर ऑप्शन है करेक्शन एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रूल, तो इसी ऑप्शन में ही आपको टिक करना है, टिक करके आपको ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद फ्रेंड्स इस टाइप से फॉर्म शो हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी, डी एंड ई, इस पांच स्टेप को आपको करना है वन बाय वन। तो फ्रेंड्स देखिए पहले तो आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी नेम, ये सब ऑलरेडी फिल रहेगा, आपका जो एपिक नंबर आपने दिया है उधर से ही मतलब रिडायरेक्ट करके ले लेता है। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करते हो फ्रेंड्स इस टाइप से शो हो जाएगा। इसमें आपका आधार नंबर अगर आप देना चाहते हो दे सकते हो, अगर नहीं है आपके पास या आप देना नहीं चाहते हो तो मत दीजिए, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। मोबाइल नंबर भी सेम आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। ईमेल भी सेम, तो इसमें मैं ओनली मोबाइल नंबर टाइप कर दूंगा। टाइप करके फिर मैं नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा। तो नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करते हुए फ्रेंड्स सी नंबर जो सेक्शन है सबमिट एप्लीकेशन फॉर,
ये ऑप्शन इधर शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो नीचे ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ एंटीज एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रूल, तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नंबर। इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन है जैसे कि नेम, जेंडर, एज, आपका रिलेशन टाइप, रिलेटिव्स नेम, एड्रेस, फोटो। तो हम लोग ओनली मोबाइल नंबर जो है इसमें टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स मोबाइल नंबर ऑप्शन में टिक करते ही आपको मोबाइल नंबर इधर देने के लिए बोला जाएगा, फिर उस मोबाइल नंबर को आपको वेरीफाई भी करना है। तो फ्रेंड्स मैं मोबाइल नंबर इधर एंटर कर देता हूँ। एंटर करके फिर आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो जब आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को इधर एंटर करना है, फिर आपको वेरीफाई के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो वेरीफाई के ऑप्शन में क्लिक करते ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको सेक्शन आता है डी, यानी डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में आपका प्लेस, जो भी आपका प्लेस है प्लेस इधर एंटर कीजिए, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद फिर सेक्शन ई आएगा, इसमें आपको कैप्सा एंटर करना है। कैप्सा एंटर करके प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही फ्रेंड्स इस टाइप से एक फॉर्म शो हो जाएगा, जितना भी डिटेल्स अभी तक आपने फिल किया है इसमें शो हो जाएगा। तो आपको एक बार चेक कर लेना है। तो चेक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो सबमिट का ऑप्शन में क्लिक कीजिए। तो क्लिक करते ही फ्रेंड्स इस टाइप से शो हो जाएगा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सबमिट दिस फॉर्म, तो इसमें आपको येस कर देना है। तो येस करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। तो उस एक्नॉलेजमेंट नंबर से ही आप ट्रैक करके देख सकते हो कि आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी आसाम में क्या हुआ है, डिलिमिटेशन का काम चल रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो एरिया है वो चेंज कर रहा है। तो चेंज करने की वजह से ही मतलब अभी आसाम में कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप आसाम से हो तो अभी आप इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे। अगर आप अदर स्टेट से हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से आप इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।